डीडीए जेई का एग्जामिनेशन का आंसर की आउट हो गया ऑब्जेक्शन क्वेश्चन बच्चे लगातार पूछ रहे हैं मैंने एक वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के लिए बनाया है जिसमें कि कुछ क्वेश्चन जो मुझे ऑब्जेक्शन के मिले थे वो मैंने आपको दिए और बाकी अभी और भी क्वेश्चंस मेरे को मिले हैं तो अलग अलग शिफ्ट के में अलग अलग क्वेश्चंस मिलते जा रहे हैं मैं ओवरऑल मिक्स मतलब एक ही वीडियो में सारे जो भी मिल रहे हैं अलग अलग शिफ्ट के अलग अलग डेज के वो सारे एक ही वीडियो में बता देता हूँ तो आप अपनी अपनी शिफ्ट वाले देख सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं डेट के हिसाब से पहली चीज दूसरी चीज़ पता नहीं क्या डीडीए ने कैसा पेपर बनाया मुझे नहीं पता मतलब सवालों के जवाब इतने सवालों के जवाब गलत कैसे दे सकता है मतलब मेरे को समझ में नहीं आया लेकिन इस बार एस ने काफी अच्छा काम किया था और उनके चारों शिफ्ट के अंदर मिला जुला के तीन चार क्वेश्चन हमें ऑब्जेक्शन मिले तो उतना तो चलता है यार लेकिन इतने क्वेश्चन नहीं चलिए फिर भी देखने की कोशिश करते हैं पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी जिसका नाम है शुभम अग्रवाल सर टेक्स बुक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है जिन्होंने पहली ऑब्जेक्शन वाली वीडियो मिस कर दी है उसका लिंक भी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा आप क्लिक करके पहली वाली वीडियो जरूर देख लें क्योंकि उसके अंदर भी काफी सारे क्वेश्चन मैंने बताए हैं ठीक है ना दूसरी बात आपको कोई बात मुस्तक पहुंचानी है तो शुभम डॉट अगर डॉट फैकल्टी एट द रेट टेस्टबुक डॉट कॉम पर ई मेल करके आप अपनी बात मुस्तक पहुंचा सकते हैं डेली मेरी यूट्यूब क्लास का टाइम आठ बजे है रात को ठीक है ना आप डेली क्लासेस के लिए शिफ्ट में चौबीस घंटे के अंदर वाटर एब्जॉर्ब लिमिट हालांकि अगर हम देखते हैं तो इसका आंसर कई एग्जाम्स पंद्रह परसेंट लेते हैं कई बीस परसेंट लेते हैं लेकिन जनरली जो एक्सेप्टेबल आंसर है बीस परसेंट है इसका कोई एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं है इसलिए आप इस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते और इसमें ही अगर आप देखें तो अठारह अक्टूबर शिफ्ट टू में एक सवाल पूछा गया है जिसमें फर्स्ट क्लास ब्रेक का पूछा गया कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि इसका बीस परसेंट आंसर होना चाहिए इन्होंने पंद्रह परसेंट दिया है लेकिन अगर आप एसके दुग्गल बुक को फॉलो करते हैं तो एसके दुग्गल बुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें बारह से पंद्रह दिया गया एज अ रेफरेंस अटैच किया जा सकता है और इस पर ऑब्जेक्शन फाइल नहीं हो पाएगा ठीक है तो एक चीज ये थोड़ा सा ध्यान दें

कर सकते हैं ठीक है? उसके बाद अगर यहाँ पर तारीख में shift 3 की बात करता हूं, तो excavation is described as surface excavation. इसका आंसर इन्होंने क्या दे दिया? D दे दिया है लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा सी होगा सी विल बी द राइट आंसर ठीक है ना सी आंसर क्यों होगा क्योंकि इसने बोला एक्सकेवेशन नॉट एक्सीडिंग थ्री हंड्रेड एम एम तो ये सही आंसर इसने बोल दिया एक्ससीडिंग 300 एमएम mm. अगर आप आईएस 1200 पार्ट वन को फॉलो करते हैं तो उसके अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है बट नॉट एक्ससीडिंग 300 एमएम इन डेप्थ तो आप रेफरेंस मैंने अटैच कर दिया है आप रेफरेंस को यूज करके आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं 19 तारीख शिफ्ट 3 वहीं पे तारीख में 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 एक एक और और क्वेश्चन जो जो है minimum, आ, है 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 उसमें आपसे मिनिमम टाइम पूछा 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 को स्ट्रिप करने का का तो भाई यहां पर किसके केस में पूछा है? और के केस वॉल कॉलम्स के जब आपने ओपीसी इस्तेमाल किया है। इसका आंसर इन्होंने है, कि आंसर इन्होंने तो सी दिया गया है कि गलत चौबीस घंटे मैक्सिमम मैक्सिम वन डे ठीक मतलब मिनिमम एक दिन लग, मान के चले तो भी एक दिन का कोई ऑप्शन है नहीं ठीक है ना आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं वहीं पे अगर मैं 17 अक्टूबर 2023 शिफ्ट तेईस की बात करता हूं तो इसके अंदर सैंड का साइज पूछा गया है और यहां पर कोई भी ऑप्शन सैंड के साइज को सेटिस्फाई नहीं करता इसलिए नो मैच है इसका आंसर इन्होंने डी दिया है जो कि सिल्ट के पार्टिकल साइज को डिनोट करता है इसके लिए आप रेफरेंस यूज कर सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड कोड आई एस वन फोर नाइन एट जिसके अंदर यहां पे क्लियरली दिया गया है कि सैंड का साइज जो है फोर पॉइंट mm से फाइव एम माइक्रोन के बीच में जाता है ठीक है ना और जो सिल्ट का साइज

सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम है, है ठीक ना? आप रेफरेंस दुग्गल बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं उसका स्क्रीनशॉट ये आपको दिख रहा है या फिर आप आई एस कोड बारह मतलब वन टू सिक्स जीरो जीरो का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है ना तो इसमें भी नो मैच आपका ऑप्शन बन रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि भाई आप यूज कर सकते हैं ठीक है भाई उसके बाद अगर मैं देखता हूं तो एक ये क्वेश्चन मुझे भेजा गया लेकिन इसका कोई मेरे पास एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं है अभी तक इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं 18 अक्टूबर शिफ्ट टू में कि आइडेंटिफाई वन ऑफ द कोजन लेस प्रॉपर्टीज ऑफ द दॉइल वॉटर कॉन्टेंट कंसिस्टेंसी लिमिट क्ले कॉन्टेंट तो भाई अगर मैं कोसॉइल की बात करता हूं तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल शेप रिलेटिव डेंसिटी क्ले एंड क्ले मिनरल कॉन्टेंट कंसिस्टेंसी का थोड़ा सा इसके अंदर नहीं क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है सिर्फ कोहिजिव सॉइल के लिए इस्तेमाल होती है तो ये नहीं होगा

अब इसका कोई एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं है तो मैं आपको रेफरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता जब तक मेरे पास रेफरेंस नहीं होगा तब तक मैं इसको ऑब्जेक्शनेबल की लिस्ट में डालना थोड़ा सा मेरे लिए अभी मुश्किल है ठीक है भाई उसके बाद अगर एक क्वेश्चन मेरे को और बच्चे ने भेजा है शिफ्ट टू का है अट्ठारह तारीख के उसमें बोला है कि सर हाइपे रॉक के लिए इन्होंने बोला है कि उसका फाइन ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा और ये ऑब्जेक्शनेबल है नहीं इसका ऑब्जेक्शन नहीं है हाइपे का यही होता है और टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर भी देखेंगे तो यही मिलेगा आप ऑफिशियल किसी भी सोर्स को फॉलो करेंगे यही मिलेगा नोट्स को फॉलो करेंगे वो यही मिलेगा आपको तो इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है ठीक है ना बाकी आप सीबीटी 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एसएससी जेई सीबीटी 2 की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं बूस्टर लाइव बैच में टेक्स्टबुक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और सीबीटी 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से लेटेस्ट टेस्ट सीरीज़ भी बना के डाल दी गई है ताकि आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर पाए तो आपको चाहे वो डीडीए का भी एग्जाम हो आप अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग क्लास नहीं कर सकते इतना समय नहीं होता इसीलिए फाउंडेशन क्लासेस को फॉलो करें इसके अंदर हर सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज डिटेल में कंसेप्चुअली थियोर न्यूमेरिकली हर तरीके से कवर किया जाएगा ठीक है ना एंड दिस विल बी अ मास्टर क्लास फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स फॉर

और अच्छा हाँ सी जो पहली वाली वीडियो वो जरूर देख लेना उसके अंदर बाकी के ऑब्जेक्शन क्वेश्चन भी मैंने डाले हुए हैं जो इसके आगे के क्वेश्चन आपको दिख रहे ना ये सब ये सब वो पहली वाली वीडियो में बताए हुए हैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना थैंक यू ये एक और सवाल है डीडीए में जो ऑब्जेक्शन का निकल के आया है 19 अक्टूबर को शिफ्ट वन में जो पेपर हुआ इसमें पूछा गया था व्हाट इज द रिकमेंडेड नॉइज लिमिट फॉर डीजल जनरेटर्स फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज एज पर इन्वयमेंट प्रोटेक्शन रूल्स तो इसमें आंसर दिया गया 85 फाइव टू नाइनटी डेसिबल ठीक है ना इसका आंसर सी दिया गया लेकिन ए होना चाहिए ऑब्जेक्शन क्वेश्चन है ठीक है ना यहां पर मैंने रेफरेंस भी आप लोगों के लिए एड कर दिया है आप चाहें तो जब मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा तो आप वहां से देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट भी काट लीजिएगा नॉइज लिमिट फॉर डीजल जनरेटर सेट्स ठीक है ना मैनुफेक्चर्ड ऑन और आफ्टर दैट जनवरी 2005 और यहां पर क्लियरली दिया गया है 75 फाइव डेसिबल ठीक है 75 फाइव डेसिबल यानी कि आपका एक परफेक्ट आंसर होगा ठीक है इसके साथ साथ मैंने इसका रेफरेंस लिंक भी आप लोगों के लिए अटैच कर दिया है पेज नंबर 114 पर जाके आपको वही स्क्रीनशॉट मिल जाएगा ठीक है अगला यहां पर क्वेश्चन जो है शिफ्ट वन के अंदर 19 तारीख का ही इन केस ऑफ अ पेल्टन टर्बाइन इंस्टॉल इन द हाइड्रोलिक पावर प्लांट द ग्रॉस हेड अवेलेबल इन द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन इसका आंसर बी दिया गया है जो कि सही नहीं है इसका सही आंसर ए होगा इसके लिए रेफरेंस के तौर पर आप यूज कर सकते हैं इंजीनियरिंग फ्रूड मैकेनिक्स की जो बुक है ठीक है ना और मैंने बुक का नाम भी यहां पर मेंशन कर दिया इसके साथ साथ आप लोगों के लिए रेफरेंस भी ऐड कर दिया है अगर आप यहां पर देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल इन द रिजर्वायर या फिर आप हेड रेस कह सकते हैं एंड द वॉटर लेवल इन द टेल रेस ठीक है ना जिसके हिसाब से आपका आंसर यहां पर ए बनना चाहिए लेकिन बी दिया गया टर्बाइन इन, इनलेट ठीक है तो आप इसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं ठीक है इसके बाद एक तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें आंसर गलत नहीं दिया गया है एक्चुअली में एक्चुअली में इसमें देखा जाए तो मिस प्रिंटिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप एच ई एन कंपेयर्ड विद रेसिप्रोकेटिंग पंप अब इसका क्या मतलब समझे मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं ठीक है ना तो आप इसमें मिस प्रिंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको क्या लगा सकते हैं ऑब्जेक्शन के लगा सकते हैं ठीक है ना और अभी इससे पहले भी मैंने बहुत सारे सवाल आप लोगों बताए हैं सारे सवाल देख लें अपने अपने शिफ्ट के और जो भी अगर आपका कोई भी और राय हो कुछ भी बात हो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए बताइए और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी और बेहतर तरीके से आ, जहां से भी हेल्प हो सकती है वहां से हेल्प कर दी जाए धन्यवाद